हाय स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से देखें। 6 तक के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। एक्स देखो, एज कर मैंने सेक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, तो आप जानते हो कि एज कर मैंने सेक्स स्क्वायर जहाँ भी आपको दे रखा है, तो एक्स को हमेशा क्या मानेंगे, ए साइन थीटा मानते हैं। ओके, ताकि एज कर कॉमन आके 1 - sin² θ ईजिली क्या हो जाए, cos² θ, और स्क्वायर रूट से क्या जाए, बाहर आ जाए। तो इससे देखो दो वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। एक तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो आपने एक्स को क्या माना, ए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जब आपने एक्स को ए साइन थीटा माना है, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं सोल्व कर रहा हूँ, ए कोस थीटा डी थीटा, ये ए साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाहर 1 - sin² θ, ये ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा ए कोस थीटा। आप समझो 1 - sin² θ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट दे रखा है वर्गमूल, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और ए स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखो आपके सामने जो वैल्यू आई वो क्या आई, आई इज इक्वल टू ए कोस थीटा अपॉन ए कॉमन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा आया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो 1/2 cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा 1/2, इसको मैं लिखूंगा cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। ये cos थीटा जो है 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 cos थीटा हो गया। कोस थीटा, 2 कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे दिया। ठीक है, 1/2, इसमें मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा प्लस कर देता हूँ और साइन थीटा क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। देखो कोस थीटा था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 कोस थीटा को 2 अलग अलग पार्ट में लिख लिया। अब इसमें साइन थीटा प्लस कर दिया, साइन थीटा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ, तो इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, एक तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा बन जाता है अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा डी थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास जो वैल्यू आई आई की 1/2 डी थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, देखो 2 अलग अलग वैल्यू आ गई। अब इसको मैं आई को क्या मानता हूँ, आई को मैं 2 अलग अलग पार्ट में I1 + I2 में लिख लेता हूँ। तो I1 की वैल्यू जो है आपके पास है 1/2 डी थीटा, और इसकी वैल्यू आसानी से डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस C1, और थीटा की वैल्यू आपके सामने क्या है, हम पहले निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस C1। I1 की वैल्यू सिंपली 5 होगी इजीली। I2 जो है वो है 1/2, ये भी बहुत सिंपल है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल है,
जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू हमारे सामने है, इसको यदि मैं टी मानता हूँ तो आसानी से इसका जो डिफरेंशियल है वो ऊपर दे रखा है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एक स्टेप में आसानी से समझा देता हूँ। लेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू टी, देन इसका डिफरेंशियल करूँगा तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, किसके रेस्पेक्ट में गया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो सामने क्या आ जाएगा डी थीटा। देखो साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। मैंने देखा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हमारे सामने क्या आ जाएगी डी टी आ जाएगी, वन अपॉन टू, तो ये डी टी अपॉन टी आया, देन वन अपॉन टू डी टी अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग टी प्लस सी टू, तो वन अपॉन टू लॉग, और टी की वैल्यू आपके सामने क्या आई, टी की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सी टू। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा और कोस थीटा को जो है वापस किस में कन्वर्ट करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप आगे देखो, मैं इसके आगे बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन में आ गया होगा, तीन वैल्यू हमारे पास है, इसको मैं दोबारा फिर समझा दूंगा। देखिए आप, आई टू की जो वैल्यू मेरे पास आई उसको आप समझे, वन अपॉन टू लॉग साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग साइन थीटा, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, क्योंकि मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू नहीं है, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं तो लॉग साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ए प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है, देखो ये एक्स अपॉन ए है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, वन अपॉन टू लॉग एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। देखो इसमें ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप अच्छे से समझ लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आई टू इजल टू वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी टू, ये सी टू ले लेते हैं क्योंकि आई वन के लिए सी वन लिया था, वन अपॉन टू लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी टू। आप जानते हो प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए अपॉन बी को मैं लिखूंगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी टू, जहाँ सी टू को मैं लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन टू लॉग ए प्लस सी टू, बिकॉज वन बाई टू का इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू से वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर दिया, वन बाई टू का सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैं एक वैल्यू मान सकता हूँ। ये मेरे पास आई टू की वैल्यू आई, आई मेरे पास क्या था आई वन प्लस आई टू, आई वन की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आई टू की जो वैल्यू है वन बाई टू लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ सी बराबर क्या है सी वन प्लस सी टू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ईजी है, बस ये क्या है कि साइन थीटा और कोस थीटा को जब मैं एक्स में कन्वर्ट करता हूँ तो ये लोग ए अपॉन बी की आइडेंटिटी लगने के कारण ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाता है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कॉमन सेंस की बात है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी है तो एक्स को हमेशा क्या मानते हैं ए साइन थीटा मानते हैं, तो क्वेश्चन लीजिए। और ये जो स्टेप इसमें आई टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ये पहले भी दो तीन क्वेश्चन में स्टेप आ चुकी है, तो ये कोई ज़्यादा मतलब अलग से स्टेप नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस पहले कर चुके होंगे। 9.1 और 9.2 की एक्सरसाइज आपने की है, तो 9.2 में दो क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिनमें टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कोस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा,
और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझें, शेयर करें आगे, और आगे के क्वेश्चनों के बारे में अब आगे बात करेंगे। ओके, एक बात और इसमें बताना चाहूँगा, आपकी जो बुक में जो आंसर दे रखा है उसमें 1/2 नहीं लगाया है तो वो गलत है, इधर 1/2 आएगा दोनों के साथ, तो आप इसको दोबारा चेकआउट कर लेना। ओके, थैंक यू।